नमस्कार साथियों, कंसल्टेंसी बिजनेस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी बिजनेस एक ऐसा एरिया है जिसके साथ हजारों क्लाइंट जुड़े हुए रहते हैं, एक एक सीए के साथ, एक एक कंसल्टेंट के साथ। तो अगर हम लोग पूरे देश में 1,00,000 कंसल्टेंट को ही सिर्फ पकड़ते हैं तो आप समझो 1,000 के हिसाब से 100 करोड़ लोगों को हैंडल करने वाले लोग ये बैठे हुए हैं। और इनको कैसे, इनको क्या क्या परेशानी आती है आज हम लोग जानते हैं एक प्रीमियम आदमी से, एक जबरदस्त आदमी से जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, पिछले 18 साल से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट के चेयरमैन भी रह चुके हैं और इंस्टीट्यूट को काफी सारे अवार्ड दिलवा चुके हैं, बेहतरीन प्रैक्टिस कर रहे हैं। पीयूष जैन जी से आपकी मुलाकात कराता हूँ। नमस्कार पीयूष जैन जी, कहते हैं बढ़िया सर। तो हमारे दर्शकों को ये जानने का बहुत उत्सुकता है कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए प्रैक्टिशनर, कौन कौन से परेशानी है जो आपको लगता है कि ये रूटीन में होता ही है और ये परेशानी से आप परेशान हुए हैं कभी ना कभी। दीपांकर भाई, जैसे मेट्रोज में या जो बड़ी फर्में हैं, बिग फोर या बिग 20, बिग 100, इनकी समस्याएं थोड़ी डिफरेंट है। बट जो 90-95% ऑफ द सीए फर्म्स इन इंडिया, दोज आर स्मॉल एंड मिड साइज फर्म्स, तो उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, सबसे पहले वो ये है कि स्टाफ एट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ पे। प्रॉपर ट्रेनिंग कर नहीं पाते हैं हम लोग हमारे स्टाफ की, कई बार स्टाफ ज्वाइन करते साथ ही असाइनमेंट पे डाल दिया जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज या स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो छोटे शहरों में या छोटी फर्मों में कई बार आप फीसें इतनी अच्छी चार्ज नहीं कर पाते अपने क्लाइंट से, या आपका वर्किंग कैपिटल मॉडल इतना रोबस्ट नहीं होता कि कैश फ्लो मेंटेन रहे, तो आप हाई पेड स्टाफ या हाईली स्किल्ड स्टाफ अपॉइंट नहीं कर सकते। तो इस कारण से सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अगर आप थोड़ा सा मॉडरेटली स्किल्ड या लो स्किल्ड स्टाफ को रख रहे हो, बट असाइनमेंट की ग्रेविटी एंड बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप भी जानते हैं कि ओवर द पीरियड गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट से इतनी बढ़ चुकी है कि दे एक्सपेक्ट कि एवरी डॉक्यूमेंट विच इज साइंड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी द बेस्ट थिंग पॉसिबल, उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। बट सबकी एक लिमिटेशन होती है, काम करने की भी और डिलीवर करने की भी। तो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इतनी सारी चीज़ें हर असाइनमेंट में स्वयं तो डिलीवर कर नहीं सकता, आपकी स्टाफ डिपेंडेंसी बहुत रहती है। ऐसे में यदि हम लोग, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि हम हमारे स्टाफ को रेगुलर बेसिस पे ट्रेन कर पाए, स्किल कर पाए, तो कई बार चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। दूसरी जो एक बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो है क्लाइंट मैनेजमेंट, क्योंकि कई फ्रेश क्लाइंट्स का एक्विजिशन, आपको भी पता है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे प्रोफेशन की बहुत सारी एथिकल बाउंडेशंस हैं। हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं, हम सॉलिसिटिंग नहीं कर सकते हैं, तो ओपनली ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, जो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट के और हमारे इंस्टीट्यूट के रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट देन टेंडर्स आते हैं, बहुत लो फीस में काम जाता है, अदरवाइज भी क्लाइंट कई बार आपको ब्लैकमेलिंग या बार्गेनिंग की पोजीशन में होता है। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो अदरवाइज दूसरे प्रोफेशन शायद फेस ना करते हैं सर्विस सेक्टर के, जैसे डॉक्टर्स या इंजीनियर्स, बट एज अ सीए वी फेस बिकॉज वी हैव टू डील विद वेरी एनीड पॉपुलेशन। कोई डॉक्टर है तो हो सकता है उसको 140 करोड़ की आबादी कभी ना कभी बीमार पड़ेगी, तो उसका रोटेशन पे भी प्रैक्टिस फुलफुल जाता है। बट एज अ सीए हमारे पास एक लिमिटेड क्लाइंट बेस होता है, एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, टोटल ट्रस्ट बेस है। तो आपका कहना है कि आप लो पेड है, आपकी मेहनत के हिसाब से कम पैसे कमा पा रहे हैं? यस, आई वुड नॉट से लो पेड, बट नॉट एडिक्वेटली कंपनसेटेड। नॉट एडिक्वेटली कंपनसेटेड, आपको लगता है 100 मिलना चाहिए, मिल रहे 50 और कई बार नहीं भी मिल रहे। यस, बुक्स में रह जाता है, कन्वर्ट नहीं होता कैश में, मतलब हमारे पास पैसा नहीं आया तो उसको हम लोग सेल नहीं मानते, हमारे बिजनेस वाले आइडिया में सेल नहीं है वो, नहीं तो कुल मिलाकर पैसे कम मिल रहे हैं। टीम बिल्डिंग का आपको प्रॉब्लम आ रहा है? आई बिलीव मोस्ट ऑफ द सीए फर्म्स विल बी फेसिंग दिस बिकॉज़ ऑफ हाई अट्रिशन, 100%, क्योंकि आप पूरे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो इस जगह पे। यस यस यस, तो अभी जैसे नॉन कंप्लायंस की कॉस्ट इतनी हैवी हो चुकी है इंडस्ट्री में, आप चाहे जीएसटी देख लो, इनकम टैक्स देख लो, व्हाट नॉट, एवरी लॉ, पेनल्टी, लेट फीस, इंटरेस्ट, इसके बर्डन इतना ज्यादा हो गया। तो हमारे ऑफिसेस के बर्डन खाली क्लाइंट पे हुआ कि आपके ऊपर भी आया? हमारे ऊपर भी बहुत बर्डन हुआ, क्योंकि आपको भी पेनल्टी लगती है, कुछ सेक्शन आ गए हैं, इनकम टैक्स में भी आ गया, जीएसटी में भी आ गया है, बट गलती हुआ, नजर हटी और हमारे ऊपर भी दुर्घटना घटी। यस, और दूसरी बात, क्लाइंट तो पॉइंट ढूंढता है ना ब्लेम शिफ्ट करने का, तो कुछ भी पेनल्टी लगी वो सबसे पहले देखेगा कि कौन था बीच में, आप थे, तो वो बोलेगा सीए की गलती है, तो उससे हमारे प्रोफेशन की रेपुटेशन भी डेंट होती है। बट द थिंग व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि अगर आप सोचोगे कि नॉन कंप्लायंस की कॉस्ट बहुत हैवी हो गई है,
तो हमारे ऑफिस का बच्चा जो कोई भी सी ऑफिस में 6 महीना साल भर काम किया उसको इंडस्ट्री हाथों हाथ लेता है। तो मोस्ट ऑफ द सीए ऑफिसर्स आर नाउ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर द इंडस्ट्री। आपके पास बच्चा आता है लो सैलरी में काम करता है, उसके बाद हाई सैलरी में आप ही के किसी क्लाइंट के हैं या आप ही के शहर में जिनसे वो कनेक्शन रखा होगा वहां पर चला जाता है। और हम इतना प्रॉब्लम फेस करने लग गए क्योंकि हमको हर बार हर साल एक नए लड़के को ट्रेन करना पड़ता है। ग्रेट, मैं 2-3 चीजें पूछना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, क्या आपने कोई सेल्स स्क्रिप्ट बनाया या कॉलिंग स्क्रिप्ट बनाया कि कस्टमर से कैसे बात करना है या कस्टमर से फीस कैसे डिमांड करना है? यस और नो? नो, एज सच नहीं है। क्लाइंट एक्विजिशन तो बारिंग ही हमारे सॉलिसिटिंग वी कैन नॉट डू, बट जो हमारे एग्जिस्टिंग कलेक्शन बोल रहा हूँ मैं, कलेक्शन के लिए आपने कुछ बोला है कि इस तरीके से डायलॉग मारना अपने टीम को कभी बैठा के अपन ने बात नहीं किया? क्या कोई मीटिंग का शेड्यूल रहता है आपका कि फिक्स मीटिंग शेड्यूल है कि इस समय अपन मीटिंग करेंगे और बिजनेस के बारे में या हमारे प्रैक्टिस में कौन कौन से क्लाइंट से क्या करना है, किसको क्या मदद करना है, ऐसा कुछ करेंगे अपनी टीम के साथ? नहीं, आज तक तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जरूरत पड़ने पे कर लेते हैं, नहीं जरूरत पड़े तो याद ही नहीं आता क्योंकि प्रेशर इतना रहता है। क्या कभी नॉलेज ब्रांडिंग के बारे में आपने सोचा है कि चलो ठीक है रेस्ट्रिक्शन होगा अपने प्रैक्टिस का अलग, कोई लॉयर का रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ऑलरेडी है एडवर्टाइजिंग, लेकिन नॉलेज का रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है? सर, एज अ सीए आप भी और मैं भी, हम तो मजबूरी है पढ़ाई करना और सारे ही सीए पढ़ते हैं, बट नॉलेज ब्रांड आप एज ए ब्रांड पीयूष जैन एज ए नॉलेज ब्रांड आप कैसा लगता है सुन के? बहुत अच्छा लगता है दादा, पर मैं आपको वही बता रहा था कि अगर आप एक छोटे ऑफिस में सोल प्रोप्राइटर हो, अकेले बैठे हुए 2 CA 3 CA साथ में, अगर आपके एरियाज डाइवर्सिफाइड हैं तब आप नॉलेज ब्रांडिंग कर सकते हो, नॉलेज बिल्डिंग भी कर सकते हो क्योंकि आपने एरियाज बांट लिया। सपोज एक सीए सिर्फ GST कर रहा है तो वो उसकी पढ़ाई कर रहा है, बट छोटे शहरों में आप MBBS हो जाते हो, आप MD वाला काम ही नहीं कर पाते, आप जनरल प्रैक्टिशनर हो, उसके कारण से अगर कोई सोचेगा अभी नॉलेज ब्रांडिंग की तो शायद वो ऐसे विशेष साइकिल में फंसा हुआ है कि वो नॉलेज ब्रांडिंग चाह के भी नहीं कर सकता, अनलेस ही कोई हैंड होल्डिंग या मेंटरिंग मिले या वो सैक्रिफाइस करने की स्थिति में हो कि ठीक है मैं लोगों को ना बोलना शुरू करूंगा पर अपने आप को ब्रांड बनाऊंगा। मतलब अपने नुकसान करके ब्रांड बनाने की बात, इनिशियली नुकसान करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये है, 2-4 चीजों में हम लोग समराइज करते हैं। सबसे पहला टीम एक चैलेंज है, टीम मोटिवेशन एक चैलेंज है, बहुत बड़ा, और सेल्स हमारा चैलेंज है। सेल्स इन द सेंस एक्विजिशन नहीं, जो है उसको मेंटेनेंस रिकवरी और कस्टमर मेंटेनेंस हमारा चैलेंज है। और चौथा जो बहुत बड़ा चीज आपने बोला ग्रो नहीं करना के कारण है वो सिस्टम, राइट, और हमारा कोई भी स्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं है इसी कारण। एग्जैक्टली राइट, अगर आप सीए प्रोफेशन का स्वॉट एनालिसिस करेंगे, वी हैव ऑल द स्ट्रेंथ्स इन आवर एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, बट द मेन वीकनेस इज वी डोंट हैव एडिक्वेट हैंड्स विद अस। We have all the opportunities with us. आज डिजिटल एरा में आप दुनिया का काम छोटे से शहर भिलाई में बैठ के भी कर सकते हो, अकाउंटिंग से लेके बैक ऑफिस वर्किंग तक, बट द थिंग इज वो विजन नहीं आ पाता, वो नेटवर्क नहीं बन पाता, वो कनेक्ट नहीं हो पाता और वो नेसेसरी टीम बिल्ड नहीं हो पाती आपके पास। जो अगर गाड़ी के 4 चक्के हैं, चारों चार अलग दिशा में जाएंगे या चारों चार अलग साइज के होंगे तो आपकी गाड़ी कितनी भी अच्छी होनी चल सकती, तो चारों चक्कों को एक साथ एक दिशा में एक जैसा चलना है तभी होगा। और यही प्रॉब्लम आई विन सब फेस कर रहे हैं और इसी कारण जिस हाल में है जी रहे हैं। बट मतलब लीडरशिप भी एक प्रॉब्लम हुआ बहुत बड़ी। थैंक यू वेरी मच पीयूष सर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ सीए फर्म या सीए इंस्टीट्यूट की कहानी नहीं है, ये सारे कंसल्टेंट की कहानी है और ये सारे प्रॉब्लम अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो आपके लिए जबरदस्त हैंडक्राफ्टेड जिसको कहते हैं स्पेशल हम लोगों ने वर्कशॉप बनाया, ये वर्कशॉप आपको जिताता है। ये वर्कशॉप में आप आते हो, नॉलेज लेते हो और सिर्फ नॉलेज नहीं लेते उसको इम्प्लीमेंट करते हो। दूसरे दिन से 2 दिन का वर्कशॉप है हमारा, 2nd और 3rd December 2023 को। आप इसके बारे में स्पेशल जानकारी जितनी भी चाहिए क्वेरीज दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट होकर ले सकते हो। और इतना ही नहीं, तुरंत रजिस्टर करने की जरूरत है, जैसे ही आपको समझ में आ जाए निर्णय लेना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये जो कंसल्टेंसी का बिजनेस है हजारों लोग आपको और चाहिए, हजारों लोग आपको और मिलने वाले, सबको मैनेज करिए, ऑटोमेट करिए, जीतिए अपने बिजनेस को, क्योंकि इतना नॉलेज जितना कंसल्टेंट के पास है किसी और के पास नहीं होता। तो आज ही अपने नॉलेज को अपडेट करिए और तुरंत कनेक्ट हो जाइए और बने रहेगा हमारे साथ। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।